विद्या बालन की खुफिया बेटी होने की खबरें, अदाकारा का रद्देअमल। बॉलीवुड की अदाकार विद्या बालन डल्टी पिक्चर के बाद शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी। विद्या बालन को अपने जिस्म से क्यों नफरत थी? विद्या बालन की बेटी के बारे में खुफिया इंकशाफात, ये सब जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखिएगा। बेगम जान कहानी, तुम्हारी सल्लो, शकुंतला देवी और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी की वजह से लोगों के दिलों में उतर जाने वाली 42 साल विद्या बालन ने इतराफ़ किया है कि मोटापे की वजह से वो कई साल तक अपने जिस्म से नफरत करती रही। विद्या बालन का शुमार भारत के इन चंद अदाकारों में होता है जिन्होंने फरबा होने के बावजूद न सिर्फ शानदार अदाकारी की बल्कि किरदारों से लोगों की सोच बदल दी। विद्या बालन ने अगरचा इंतहाई कम उम्र में 1995 में ही अदाकारी का आगाज किया था, उन्होंने बतौर मरकजी अदाकार पहली फिल्म दिया परिंदिया 2005 में की, जिसके बाद 2006 में मुन्ना भाई MBBS में दिखाई दी। संजय दत्त के साथ फिल्म करने के बाद विद्या बालन फिल्म साजों की नज़रों में आ गई। फिर उन्होंने एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्म दी। 2011 में नेशनल अवार्ड जीतने वाली अदाकार बन गई। विद्या बालन को भारतीय हुकूमत ने पद्मश्री अवार्ड से भी 2014 में नवाजा, जबकि उन्होंने शानदार अदाकारी के बायस फिल्म फेयर अल्फा स्क्रीन गार्ड एशिया पैसिफिक समेत कई अवार्ड जीते। विद्या बालन को इनकी फरबा जसामत की वजह से जहां मुनफरिद अहमियत हासिल है, वहीं इन्हें खसूसी किरदारों के लिए भी कास्ट किया जाता है। तहम अदाकारा ने पहली बार अपनी जसामत, वजन और ज़ाती ज़िंदगी और फिल्मी दुनिया से मुतलिक खुलकर बात करते हुए इतराफ़ किया कि फिल्मी कैरियर के आगाज़ में कई साल तक वो अपने जिस्म से नफरत करती रहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में 42 साल विद्या बालन ने बताया कि हार्मोन्स के मसाइल की वजह से वो शुरू ही से मोटी थीं। ताहम फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद उन्हें अपने जिस्म से नफरत होने लगी। उन्होंने बताया कि ज़्यादा वजन की वजह से जहां वो खुद अपने जिस्म से नफरत करती थीं, वहीं इनका मोटापा एक तरह से फिल्मी दुनिया के लिए कौमी मसला भी बन चुका था। उन्हें मोटी लड़की के तौर पर जाना जाने लगा। विद्या बालन के मुताबिक उन्हें अपने जायद वजन की वजह से परेशानी और शर्मिंदगी का एहसास होता था। ताहम कुछ साल बाद उन्होंने अपनी जसामत को कबूल करना शुरू किया और फिर उन्हें खुद से और अपने जिस्म से प्यार हो गया। अदाकारा ने बताया कि जब उन्होंने खुद अपने जिस्म को कबूल किया तो हैरानकुन तौर पर दूसरे लोग भी उन्हें पसंद करने लगे और इनका हौसला बुलंद होने लगा और मोटापे के डर से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उन्होंने फिल्मी कैरियर पर बात करते हुए बताया कि उन्हें अब तक अदा किए गए मुतअद्दिद किरदार पसंद हैं, ताहम उन्होंने सबसे ज़्यादा 2017 की रोमानवी फिल्म तुम्हारी सल्लो में अदाकारी की। सल्लो का किरदार उन्हें अच्छा लगा। विद्या बालन ने मज़ीद बताया कि अगरचा उन्होंने इश्किया में एक ऐसी खातून का किरदार अदा किया जिनका इस्तेहाल किया जाता है और वो तनहा भी पड़ जाती हैं, मगर इस किरदार की ये बात अच्छी लगी कि वो किरदार अपनी खूबसूरती और जिस्म को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया, जब उनकी बोल्ड फिल्म पुरानी पिक्चर को इनके वालिद ने देखा तो वो काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने इनसे कहा कि मुस्कुरा फिल्म के किस सीन में इनकी बेटी नज़र आती है। एक और सवाल के जवाब में विद्या बालन का कहना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों से मर्द अदाकारों की अजादारी रही है और लोग मर्द अदाकारों की फिल्में देखना पसंद करते हैं और इनमें ही सनतकार सरमायाकारी करते हैं। ताहम उन्होंने कहा, गुज़िश्ता चंद सालों में कुछ तब्दीली आई है, अब औरत अदाकारों की मरकजी किरदारों की फिल्में भी बनने लगी हैं और लोग उन्हें देखने भी लगे हैं, मगर फिर भी ज़ाती तौर पर मर्द और ख़वातीन अदाकारों की फिल्मों का मुआवजा करने को दुरुस्त नहीं समझती। उन्होंने शादीशुदा ज़िंदगी पर भी बात की और कहा कि इनकी अज़वाजी ज़िंदगी को 8 साल गुजर चुके हैं और उन्होंने इन सालों में हर साल माजी के मुकाबले में ज़्यादा मोहब्बत पाई। बॉलीवुड अदाकारा विद्या बालन ने अपनी खुफिया बेटी होने की खबरों की तरबीत कर दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विद्या बालन ने इन अफवाहों पर रद्दअमल का इजहार किया जो इस वक्त शुरू हुई जब एयरपोर्ट पर इनकी एक बच्ची के साथ वीडियो वायरल हुई। भारतीय पापाराजी ने वीडियो के कैप्शन में बच्ची को विद्या बालन की बेटी करार दिया, जिसके बाद अब अदाकारा ने इस पर रद्दअमल दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी नहीं बल्कि भांजी हैं, यानी बहन की बेटी। उन्होंने कहा, मेरी बहन के जुड़वा बच्चे इरा और रुहान हैं,
जब मेरे साथ इस वीडियो में इरा थी, जिसे सब ने मेरी बेटी कहा। दूसरी जानब मस्कुरा वीडियो वायरल होने के बाद सार्फिन ने क्या सरियाँ शुरू कर दी, जबकि कुछ ने विद्या बालन को सराहा कि सोशल मीडिया के जदीद दौर में उन्होंने अपनी बेटी को सबसे खुफिया रखा।